जी अनाया, तो आप बताएं कि आपका तो पिज़्ज़ा वैसे बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, क्या किया क्या है आपने? मेरे सिंपल पिज़्ज़ा बनाया है जैसे लेग पिज़्ज़ा होता है। अच्छा अच्छा, आपने इसके कॉर्नर्स भी कट किए हैं? यस, ताकि मैं प्रॉपर इसको सर्कल शेप दे सकूँ लाइक पिज़्ज़ा बिल्कुल। अच्छा गुड, मतलब आपने कुछ नया ट्राई करने की कोशिश की। यस, और जूनियर शेफ पाकिस्तान में आपको एक मौका भी दे रहे हैं कि आप अपने इनोवेशंस करें, अपनी क्रिएटिविटी दिखाएं आप, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, मुझे बहुत अच्छा लगा। अच्छा, और आपने जो ये सॉस लगाई है आपने फुल कवर किया है डो को, वैसे देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वही बात है कि एट द एंड अब पता चलेगा कि इसका टेस्ट क्या बनकर आता है। और वेरी गुड कि काउंटर भी आपने साफ रखा है। चलें, विश यू ऑल द बेस्ट। और अब मैं देख लूँ रामीन को। जी रामीन, कहाँ तक पहुँचा आपका पिज्ज़ा? बस आलू डालने और इसको। वाओ, आपने तो बिल्कुल नई शेप दी है जी। और ये आइडिया कैसे आया आपको? मतलब राउंड तो पिज्जा हर कहीं राउंड ही होता है, इसलिए मैंने सोचा डिफरेंट करने का। वैसे पिज्जा तो बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें क्या क्या ऐड किया आपने? इसमें मैंने चीज, चिकन चंक्स और केचप एंड अनियंस और ये बेल पेपर एंड टोमेटोस। और वैसे ये शेप बहुत ही अच्छी लग रही है कि आपने अपनी इनोवेशन की है, और ये एक बड़ी अच्छी बात है क्योंकि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपनी इनोवेशन करो रेसिपी में, जैसा भी मर्जी डिज़ाइन हो, ताकि ये पिज़्ज़ा अच्छा आपके नाम से पहचाना जाए। हाँ, और अच्छा बने। वैसे इसका फिर नाम भी सोचना होगा आपको। स्क्वायर पिज़्ज़ा, ये तो आपकी मर्जी है, ये तो मैं आपसे बाद में पूछूंगी जब आप ये बना के मेरे पास लाएंगी और जब मैं टेस्ट करूंगी, तो फिर इसका कोई अच्छा सा नाम भी सोचें क्योंकि ये आपने एक इनोवेशन की है और इतनी अच्छी शेप दी है। तो ये है कि विश यू ऑल द बेस्ट, और अब मैं टेस्टिंग पे ही बताऊंगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।